हेलो एवरीवन, तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया। आपको माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स इस वीडियो पे जानने को मिलेगी। सबसे पहले आपको लेना है फाउंडेशन। मैं आप पे 128 शेड अभी यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन का, जो कि थोड़ा सा लाइट है मेरे फेस के हिसाब से, बट इट विल टोन इट डाउन बाय द यूज़ ऑफ कॉन्टोर स्टिक। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से नेक और फेस में इसे अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लेंगे। देन एक ही लेयर में हमें कॉन्टोर, कंसीलर और ब्लश लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। एक साथ ब्लेंड करने का ये फ़ायदा कि आपको बहुत ही प्यारा सा फिनिश आपके फेस पे देखने को मिलता है। बिल्कुल भी अलग अलग लेयरिंग नहीं लगती है और एक्स्ट्रा लेयरिंग से भी आपका फेस बचता है। तो बस एक ही बार में इसे अप्लाई कर लेना और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको शो होगा आपके फेस पे। नेक्स्ट, मूविंग टू द आईब्रोज। यहाँ पर आपको दो ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, एक एंगुलर ब्रश और एक फ्लैट ब्रश। एंगुलर ब्रश की मदद से आपको बैक साइड में स्फूली भी दिया रहता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपने आईब्रोज अपर डायरेक्शन में ब्रश कर देना है। देन उसके बाद ब्राउन कलर से अच्छी तरीके से हमें उसे फिल इन कर लेना है। फिर उसके बाद अलग से लेयरिंग करनी है हमें ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पे जो ब्लैक कलर मैं इस्तेमाल करूँगी उसे मिड से लास्ट पोर्शन तक लेके जाना है, फ्रंट में यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बहुत मेड अप आईब्रोज लगती है। वंस डन, हमें एक फ्लैट ब्रश की मदद से कंसीलर अप्लाई करना है ताकि हमारे आईब्रोज को एक अच्छी सी प्रॉपर फिनिश मिल सके। इस तरीके से अप्लाई करके और उसे अपने स्किन में ब्लेंड कर देना है। तो कुछ इस तरीके की आईब्रोज आपको देखने को मिलेगी। यू कैन सी द डिफरेंस। Now my both eyebrows are done. Moving to the nose contouring, मैं यहाँ पे contour shade ले रही हूँ from the palette 03 sugar का, और eyes से contour करते हुए मैं nose तक इसे एक line draw करूँगी। Beginners हमेशा बहुत subtle bronze के साथ जाएँ तो बेहतर होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने ज़्यादा shade apply कर दिया काफ़ी मुश्किल हो जाती है। Same यही process मैं दूसरे eye के साथ भी करूँगी और tip of the nose पे थोड़ा सा contour shade apply करूँगी। Then bridge of the nose पे हमें हल्का सा concealer बिल्कुल apply करना है और हाइलाइटर लेके अपने नोज़ के ब्रिज में अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। मूविंग टू द आईज, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज पे मैं यहाँ पे शिमरी सा ब्लू कलर है उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन ऑल ओवर द लिड मैं यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर। अच्छी तरीके से वो स्टिक हो जाता है, थोड़ा सा शिमरी पार्टिकल्स भी थे तो बेटर टू गो विद फिंगर्स। देन आउटर वी पे मैं यहाँ पे पर्पल ब्लू का मिक्स करके एक शेड अप्लाई कर रही हूँ और एक क्रीज ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। सेम ब्लू कलर लेके हमें लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करना है और आउटर कॉर्नर पे हम पर्पल कलर के साथ जाएंगे एक आईज को डेप्थ देने के लिए। एंड हियर इज माय आई लुक कंप्लीट। देन मूविंग टू द आई लाइनर, मैं यहाँ पे लैक्मे का 9 to 5 आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। देन गोइंग विद द फॉल्स आई लैशेज एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। मूविंग टू द लिप्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लिप्स पे कंसीलर अप्लाई करूँगी एक प्लम्पियर इफेक्ट देने के लिए, ताकि इस स्टेप के बाद अगर आप कोई लाइट शेड के साथ भी जाते हैं वो भी आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से सूट होता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से एक बेस दे देना है, उसके बाद यहाँ पे मैं फिनिशिंग कर रही हूँ बनाना पाउडर के साथ ताकि कोई क्रीज लाइन ना पड़े। देन थोड़ा सा कॉन्टोर शेड लेके मैं अपने लोअर लिप्स के नीचे और अपर लिप्स के मिडिल कॉर्नर पे मैं एक शेड अप्लाई कर रही हूँ, उससे एक प्लम्पियर सा इफेक्ट देखने को मिलता है। देन लाइट शेड के साथ आपको जाना है, पूरे लिप्स को कवर कर लेना है और उसी से थोड़ा डार्क टोन में एक लिपस्टिक के साथ आपको फ्लैट ब्रश की मदद से सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है, बीच का पोर्शन हमें छोड़ देना है। तो एक बहुत ही प्यारा सा ओम्ब्रे इफेक्ट देखने को मिलता है और आपके लिप्स काफ़ी प्लम्पियर दिखने लगते हैं कुछ इस तरीके से। So here is the simple trick to make your lips look plumpier. So this is my all look complete. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe for more such videos. Bye guys.